Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shahzaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button, and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कोड आपको पता है, ऊपर डायरेक्टरी और ये इस तरह कोड हर प्रोग्राम से पहले हम लिख लेते हैं। फॉर लूप ने प्रोग्रामर्स की ज़िंदगी को आसान करके रख दी है। वो कैसे आसान करके रख दी है, इसकी एग्जांपल हम एक प्रोग्राम से करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम 10 टाइम्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आपने स्क्रीन पे 10 टाइम्स वेलकम डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी आउट वेलकम और ये लास्ट में एंड एल, ठीक हो गया। तो ये एक दफ़ा हम लिखेंगे जो स्क्रीन पर एक दफ़ा वेलकम लिखा आएगा, तो हमने 10 दफ़ा करना है ना, तो हमें ये वाली लाइन 10 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। ये मैंने सेकंड दफ़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कंपाइल हो रहा है और ये 10 दफ़ा स्क्रीन पर वेलकम लिखा आ गया, ठीक है। अगर यही कहा जाता है कि इसी प्रोग्राम को यहाँ पे 10 की जगह 100 दफ़ा करो, तो ये वाली जो सी आउट की लाइन है इसको हमें 100 दफ़ा लिखना पड़ेगा। अगर यही प्रोग्राम में हमें कहा जाता है कि इसको 1000 दफ़ा करो, तो ये सी आउट वाली लाइन हमें 1000 दफ़ा लिखनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल टास्क है ना, तो इसके लिए फॉर लूप ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर सिंपल फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप ऐसे लगाते हैं, ठीक है, I इज इक्वल टू जीरो, और उसके बाद ये जो सेकेंड वाली होती है I इज लेस देन 10, ठीक है, और I प्लस प्लस, इसको कहते हैं फॉर लूप। और ये ब्रैकेट्स उसकी बॉडी होती है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट डबल कोटेशंस और वेलकम और लास्ट में एंड एल, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें 10 दफा वेलकम स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है। तो ये ज्यादा आसान है या वो आसान था? ऑफकोर्स ये वाला आसान है, ठीक है, इसलिए फॉर लूप यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे 100 करूँ, चलें 20 करता हूँ, 100 ज़्यादा हो जाएगा, 20 करता हूँ, 20 दफ़ा डिस्प्ले करना है, जैसे इसको मुझे 20 करना पड़ेगा, और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखें 20 टाइम्स लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर मैं इधर 100 करूँगा तो 100 दफ़ा स्क्रीन पर वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, 1000 करूँगा 1000 दफ़ा स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा। उस तरह मुझे 1000 जो लाइंस थी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह फॉर लूप ने हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दी है, क्लियर। ओके, फॉर लूप की जो वर्किंग है वो हम इस डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद देखें क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के दो आंसर्स आ सकते हैं, या तो कंडीशन फॉल्स होगी या तो फिर कंडीशन ट्रू होगी। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन जो उनसा है ट्रू है, तो फिर क्या होगा, फॉर लूप रुकेगा नहीं, फॉर लूप बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में जाने के बाद इंक्रीमेंट पे आएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू है तो दोबारा वो क्या करेगा, बॉडी में आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। इस तरह ये चलता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप रुक जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो वो बॉडी में आएगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये इसकी फॉर लूप की वर्किंग है। अगर ये डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ आ गई तो आपको फॉर लूप सही क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ये इंक्रीमेंट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस डायग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको ये भूलनी नहीं चाहिए कि इसकी वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रुक जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन। इस तरह ये चलता रहता है, चलता रहता है, क्लियर। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग में जो हम ये लाइंस लिखते हैं इंट ए या सी एच आर एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं, ए को 10 कर दिया, एक्स को वाई असाइन कर दिया, इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, कि हमने वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, क्लियर। अच्छा, अब हम फॉर लूप को पढ़ते हैं। जो आपको स्टेप्स मैंने पीछे बताए हैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें, सपोज करें ये हमारी रैम है, ठीक है, और ये हमारी स्क्रीन है, और ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने किया था अभी, वेलकम 10 दफ़ा स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया था। ये कंडीशन यहाँ पे 10 लिखी थी, मैंने 5 कर दी है, ठीक है, यानी 5 दफ़ा स्क्रीन पर वेलकम लिखा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये फॉर लूप हो गया, हमने लिखा इंट आई, इंट आई का आपको पता है क्या होता है, रैम में एक बॉक्स बन जाता है,
और आप ये देख सकते हैं रैम में एक बॉक्स बन गया, फिर i इज इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है, यानी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों इकट्ठे हैं, तो फिर i में क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आप देख सकते हैं i में जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पे आता है, ओके। अब आप देखें लिखा हुआ है i इज लेस देन 5, i की वैल्यू क्या यहां से जीरो, तो यहां पे हम i की जगह जीरो लिख, तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने i की जगह जीरो लिख दिया। अब देखें जीरो इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि जीरो 5 से स्मॉल होता है। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो फॉर लूप की बॉडी में आ जाता है, ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट पे फॉर लूप की बॉडी एंड हो रही है। तो बॉडी में क्या लिखा हुआ है, सी आउट वेलकम और एंड एल, तो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्क्रीन पर एक दफा वेलकम लिखा आ जाएगा, ये स्क्रीन पर वेलकम लिखा आ गया और उसके बाद एंड एल है। अभी कर्सर यहां पे था ना ई पे, ई के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा यहां पे, अब आपका कर्सर यहां पे है, क्लियर। उसके बाद अब मैंने क्या बताया था, बॉडी के बाद कहां पे आता है, इंक्रीमेंट पे, तो आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई की जो भी वैल्यू है उसमें एक प्लस कर दो, तो i की वैल्यू जीरो थी ना, इंक्रीमेंट पे आया तो i की वैल्यू वन होगी यहां पे। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करते होते हैं, वन इज लेस देन 5, कंडीशन टू है, दोबारा बॉडी में आएगा और स्क्रीन पर वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा एक और दफा, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक और दफा वेलकम लिखा आ गया और उसके बाद एंड एल था, तो ये इस यहां पे था ना, यहां से कर्सर यहां पर आ गया नई लाइन पे, क्लियर। उसके बाद बॉडी के बाद दोबारा इंक्रीमेंट पे आता है, i की वैल्यू में i प्लस प्लस का मतलब i की वैल्यू में एक प्लस कर दो, अभी i की वैल्यू क्या 1, यहां पे इंक्रीमेंट होगा तो यहां पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन चेक होती है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू है, बॉडी में आएगा और स्क्रीन पर एक दफा दोबारा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, वेलकम, ये वेलकम आ गया स्क्रीन पर और उसी तरह एंड एल से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है दोबारा इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या यहाँ पे 2, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 3 होगी है। उसके बाद 3 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू है, ओके। फिर दोबारा बॉडी में आएंगे, बॉडी में वेलकम लिखा हुआ है तो स्क्रीन पर एक दफा और वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस, यहाँ पे 3 था तो एक दफा और इंक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 4 हो गई है, ओके। दोबारा इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन पे आता है, 4 इज लेस देन 5, ओके, कंडीशन अगेन 2 है क्योंकि 4 5 से कम होता है, सी आउट वेलकम, स्क्रीन पर एक दफा और वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये देखें 5 टाइम दफा स्क्रीन पर वेलकम लिखा आ गया, एंड एल कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 थी अब 5 हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 4 के बाद 5 होगी, इंक्रीमेंट हुआ था, इंक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन पे आता है। अब देखें 5 इज लेस देन 5, क्या 5 5 से छोटा होता है, नहीं 5 5 से छोटा तो नहीं होता, 5 5 के इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन जब फॉल्स होगी तो फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा, ओके, यहाँ पे फॉर लूप आपका स्टॉप हो जाएगा और ये आपकी प्रोग्राम की आउटपुट होगी, स्क्रीन पर 5 टाइम्स वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, अगर आप ये चाहते हैं कि i की जो वैल्यू है जब 5 के इक्वल भी हो तब भी ये चले, तो उसके लिए ये हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू लेस देन, इसका मतलब ये है कि अगर तो i की वैल्यू 5 के इक्वल है या तो फिर 5 से लेस है, दोनों कंडीशंस में स्क्रीन पर वेलकम डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब आप देखें 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो ओके, फिर एक दफा दोबारा स्क्रीन पर वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, ये स्क्रीन पर वेलकम आ गया। उसके बाद इंक्रीमेंट पे आएगा, इंक्रीमेंट होने से 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, तो ये आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होने के बाद 6 होगी। उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, 6 इज इक्वल्स टू 5, नहीं कंडीशन फॉल्स है, 6 इज लेस देन 5, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो अब कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या हो जाएगा, फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी, क्लियर। तो बेसिकली बात घूम फिर के वहीं पे आती है, ये फॉर लूप की वर्किंग है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, इस डायग्राम को अच्छी तरह से 10-12 दफा प्रैक्टिस करें इस डायग्राम की, ताकि आपको फॉर लूप की वर्किंग का पता चले। उसके बाद अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये वाले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, WAP से मतलब है राइट आ प्रोग्राम, ठीक है, आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है जो स्क्रीन पे आई लव प्रोग्रामिंग
10 टाइम्स डिस्प्ले करे, और उसके बाद आपने उसकी कंपाइलेशन भी लिखनी है। कंपाइलेशन से मतलब है कि जब प्रोग्राम आप लिख लेंगे ना, उसके बाद जिस तरह मैंने रैम बनाई थी, इस तरह यहाँ पे स्क्रीन बनाई थी और यहाँ पे लूप लिखा था, ठीक है, तो उसकी एक एक दफ़ा स्क्रीन पर वेलकम डिस्प्ले हुआ है, जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती गई है, एक एक प्लस होती गई है, तो किस तरह स्क्रीन पर उस प्रोग्राम की आउटपुट आई है, तो ये भी आपने साथ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ट बाय इंक्रीमेंट इन लूप्स, के लूप्स में जो इंक्रीमेंट होता है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि अगर हम इंक्रीमेंट ना लिखें लूप के अंदर तो उससे क्या होगा। फोर आपका क्वेश्चन है अगर हम लूप्स के अंदर कंडीशन ना लिखें तो उससे क्या होगा, कंडीशन की क्या इंपॉर्टेंस है लूप के अंदर। और लास्ट में जो आपने फॉर लूप की वर्किंग पढ़ी है, ये इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है कि फॉर लूप की वर्किंग कैसे होती है। तो आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। सो अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप की एग्जांपल के साथ। फिलहाल इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।